हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल दी आर माई स्टूडेंट्स सो टूडेट चैप्टर फाइव चैप्टर ने सेंटेंसेस आई होप डेट आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से अंडरस्टेंड हुआ होगा और समझ में आया होगा ये विल यू स्टेयर येस और नो प्लीज़ जोर से बोलो येस मैम ओके सो आई एम वेरी हैप्पी दैट लास्ट टाइम मैनी स्टूडेंट हैज मी वर्क ओके बट एंड एंड ओनली टू स्टूडेंट्स मैंने बोला था था कि नीचे आपको जो वीडियो नीचे आपको अपनी प्रेजेंट लगानी है तो पलक खरीदने लगाए पलक वेरी गुड बेटा और एक स्टूडेंट और है उसने भी प्रेजेंट लगाया था तो कुछ बच्चे मेरी बात मानते पल्लवी पल्लवी पांडे की भी प्रेजेंट आई थी नीचे और एक और स्टूडेंट था उसकी भी सबसे पहले तो उसी स्टूडेंट उस के आए थे लेकिन उसका नेम याद नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसकी आई थी प्रेजेंट आप खुद देखिए कितने बच्चे मेरी बात मानते हैं और वर्क भी बहुत लोग आया था परनीत का आया था सबसे पहले आया था अनमोल अनमोल बहुत फास्ट है अनमोल का वर्क बहुत फास्टली आता है अनमोल वेरी गुड अनमोल का भी आया है नवरीत का भी आ चुका है और जो गुरमन है गुरमन फर्स्ट वो हमेशा टाइम टू टाइम वर्क सेंड करते हैं जैविन का वर्क आया विराज का भी आता है मोस्टली वर्क शौर्य का भी आया है जो टाइम भी सेंड करते हैं नेक्स्ट डे करते हैं वो बहुत सारे बच्चे भी थे जो उन्होंने नेक्स्ट डे सेंड किया और, और उस दिन भी तो बहुत बच्चों ने सेंड किया था वर्क सो आई एम वेरी 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 हैप्पी ओके सो अब चैप्टर्स के चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है साथ में क्यों चलना है वो समझ लीजिए चलना इसलिए है क्योंकि मैं जब ग्रामर का आपको कॉपी में वर्क कराऊंगी तो मैं सेंटेंसेस डिफरेंट कराऊंगी चेंज होंगे सेम सेम नहीं होने वाले हैं सपोज़ सेंटेंस मैंने आपको सपोज़ मैंने आपको लास्ट चैप्टर में क्या सिखाया था आपको लास्ट चैप्टर में हमने सिखाए थे कैसे क्या था एपस्ट्रॉफ़ी और एपस्ट्रॉफी जो होता है एपस्ट्रॉफी तो हमारा कुछ भी होता है ना ज़रूरी कि सेम सेम वर्ड हो है ना तो डिफरेंट होगा डिफरेंट वर्ड्स होंगे आपके तो डिफरेंटली आपको हमारा वर्क करना है ओके क्लियर सो so, इसलिए आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी भी है एग्ज़ाम में भी ऐसे आएगा ओके okay? क्योंकि आपके जो हाफ अर्ली वाले एग्ज़ाम्स हैं वो भी होने ही वाले हैं सो बी रेडी फॉर दैट जो भी काम कराया हुआ है उसको लर्न करते हुए चलिए जो रिवीजन में वर्क कराया हुआ था उसको भी कर लीजिए अच्छे से ओके okay? लर्न करते हुए चलिए रिवीजन वाले वर्क में से ही मैं रिवीजन वाली वीडियो भी आपको सेंड करूँगी उसी में से आपको फिर से आपको उसी में से आएगा इसलिए आपको वो बहुत अच्छे से देख के रखनी है वीडियो और उसको लर्न कर रखिए और ग्रामर के चैप्टर जो अब हम करा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए और हाँ थी आपका वर्क भी टाइम से आता है और वीडियो भी आती है कुछ बच्चों की वीडियो नहीं आती है फिर उन्हें मार्क्स भी नहीं मिलते हैं उसी उसी हिसाब से टाइम मार्क्स मिलेंगे ना जैसे आप सेंड करेंगे वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे ओके सो नाउ लेट स्टार्ट ओके ओके हाँ आप लोगों का क्या करना है इस बार जब आप वर्क सेंड करेंगे तो अपनी एक एक सेल्फी सेंड करना पिक ओके okay? अपना अपना फो एक स्माइल करते हुए पिक सेंड करना फिर मैं क्या करूँगी आप लोगों का एक कोलाज बना के फिर आपको दिखाऊंगे कौन कौन किस बच्चे ने मुझे सेंड किया है फिर आपको हम दिखाएंगे वीडियो में ओके ओके प्लीज़ 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 पिक सेंड करना ओके ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ऑल सेक्शन ए बी सी ओके आई एम आस्किंग टू ऑल ओके मैं किसी एक सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ ओके okay? जी क्योंकि तीनों में मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे तीनों क्लास के ही बच्चों के चाहिए हूँ फोटोज़ ओके सो स्टार्ट चैप्टर है सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस में बहुत चीज़ें होती हैं अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं कितने होते हैं लेटर्स होते हैं हमारे ट्वेंटी सिक्स हाउमे लेटर्स ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं अब ट्वेंटी सिक्स लेटर्स में से हमारे फाइव हो गए वॉबल्स ठीक है ट्वेंटी वन हो गए हमारे आर्टिकल्स और जो हमारे इन्हीं लेटर्स आर्टिकल्स मिलके सब लेटर्स मिल के क्या बनाते हैं कॉन्सनेट हो गए ट्वेंटी वन कॉन्सनेंट हो गए तो अब हमने क्या किया जैसे कि हमारे जो तर्थी हैं, तर्थी जो लेटर्स है जो वर्ड्स लेटर है लेटर मिलके क्या बनाते हैं सपोज़ हमने एक लेटर ले लिया सी ए और टी तो हमने अलग अलग लेटर लिया एक लेटर ये लिया एक लेटर ये लिया कि एक ये लिया तो डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स मेक्स अ वर्ड अब इन तीनों लेटर्स ने मिलके क्या बना दिया एक बना दिया वर्ड उसको तो ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड ओके तो ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड ओके ध्यान से समझिए जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लेटर्स मिल के एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड वैसे ही सेम इन सेम दैट क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स मिल एक सेंटेंस बनाते हैं क्लियर तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स अब ऐसे ही बहुत सारे वर्ड बनाए हमने कैट हमने बनाया इज कैट इज डांसिंग कैट डांस भी करती है कहती गई टॉम एंड जेरी में टॉम डांस नहीं करता बोला नहीं करता है तो कैट इज़ डांसिंग तो हमने क्या कैट इज़ डांसिंग तो हमारा क्या बन गया सेंटेंस बन गया तो ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ सेंटेंस ओके तो ग्रुप ऑफ फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस तो वहाँ आज वही चीज़ करने वाले हैं आपको समझेंगे अभी तो मैंने आपको ऐसा एक्सप्लेन कर दिया exercise कर है एक्सरसाइज करेंगे ओके क्या लिखा है इसमें कि लुक एट दिस पिक्चर पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस डिस्क्राइबिंग व्हाट इज़ बीइंग डन इन इट उसमें क्या किया गया है वो डिस्क्राइब करना है इसमें क्या है द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल गर्ल क्या कर रही है वो एक एप्पल ईट कर रही है ओके सो सेंटेंस है नाउ लुक एट द पिक्चर स्टोन ब्लो फिल इन द ब्लैंक डिस्क्राइब द एम गिविन द वर्ड्स ओके पैर आपको इसे फिल करना है फिर नेक्स्ट हम लोग भी करेंगे चीज़ें ठीक है इसमें क्या हो रहा है द कौन है टीचर तो हमें क्या फ़िल करना है आप इनमें से इन्हीं इन वर्ड में से लेकर इसे फिल करना है द डैश इज डैश द स्टूडेंट्स क्या कर रही हैं टीचर किसको क्या कर रही हैं तो क्या आएगा द टीचर फिल करिए टी ई ए सी एच ई आर टीचर इस बॉक्स में आएगा टीचर द टीचर टीचर क्या कर रही है द -E -E टीचर इज टीचिंग द टीचर इज टीचर टी ई ए सी एच ई आर टीचर इज टीचिंग आप पर यहाँ पर आएगा टीचिंग टी ए ए सी एच आई एन जी टीचिंग ओके के नेक्स्ट नाउ सेंटेंस कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट अब यहाँ पर फिल दे रखा है कि मदर दे रखा है द फूड है ओके कुकिंग आ रहा है फिल करते हैं हम ओके हमने इतना फिल कर दिया हमने टीचिंग टीचर फिल कर दिया ओके अब हमें क्या फिल करना है हमें डिफरेंट चीज़ें फिल करनी है ओके लेट्स फिल दैट ओके अब क्या आएगा इसमें सॉरी सॉरी द मदर एम ओ टी एच ई आर पेंसिल लेकर बैठी हुआ द मदर इज कुकिंग क्या कर रही है कुकिंग से देखिए फिल करिए सब लोग साथ में फिल करेंगे ओके द मदर इज कुकिंग 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 द फूड यहाँ पर क्या आएगा फूड फिल कर दीजिए मैंने रेस कर दिया है ओके सो यू हैव टू फिल दिस लेट लेट्स डू नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं इसमें जो मैंने आपको समझाया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्के सेंटेंस बनाते हैं बट डेट इज अ शुड बी मेक सेंटेंस मतलब उसका जो मीनिंग होता है वो सेंस होना सेंस होना चाहिए सेंटेंस में ओके लेट्स रीड दिस क्या लिखा है इसमें कि रन्स आ शॉप माई फादर रॉन्ग न्यू क्योंकि रन करते हैं फादर ये क्या है सन्टेंस मतलब कि माई फादर रन आ शॉप ऐसे तो है माई फादर रन आ शॉप सेंटेंस को प्रॉपर वे में रखना ही तो होगा ऐसे नहीं कि वर्ड्स को हमने टेढ़ा मेढ़ा रख दिया वो सेंटेंस बन गया नो दैट्स नॉट गुड ओके और दैट्स नॉट करेक्ट अब आपसे कोई बोल रहा है कोई सपोज हिंदी हिंदी में लेते हैं एग्जाम्पल आपसे बोल रहे कि पानी नीचे खा गए सब कुछ भी बोल दो वर्ड्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं ना कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है ऐसे ऐसे बात सेंटेंस ना बनाएगा सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रॉपरली बात समझ में आ रही है मैं ही बोल रही हूँ अगर मैं भी ऐसे बोल दूँ नोटबुक पेंसिल पेपर पढ़ाना ये करना वो तो कुछ बात समझ में आएगी नहीं आपको है ना तो सेंटेंस का मतलब होता है कि वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स उनको प्रॉपर वे में रखना और प्रॉपर ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना कि वो आपको ये सेंस दे ओके okay? अब वो सेंस कैसे देना है वो हम समझाते हैं ओके okay? कुछ पॉइंट्स हैं इसको रीड कर लेते हैं क्या लिखा है द फर्स्ट ग्रुप ये तो हो गया हमारा दिया बट देंकेंड ग्रुप कंप्लीट सेंस हो गया ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लिखे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए ओके okay? और हम और सेंटेंस के एंड में क्या आएगा फुल स्टॉप क्या लगाएंगे हम फुल स्टॉप ये डॉट होता है जो बुंदी होती है उसको बोलते हैं फुल स्टॉप सब जो सेंटेंस होता है उसको रखने का तरीका होता है जैसे हमारी बॉडी है बॉडी एग्जाम्पल लेते हैं हमारी बॉडी है हेड है नेक है बॉडी के पार्ट्स हो गए हमारे ठीक है ठीक है सपोज अभी हमने ऐसे बना दिया है मतलब ना मैम की ऐसी ड्राइंग है ड्राइंग ऐसी अच्छी नहीं है ओके सी अब हमारी बॉडी है अगर हमारी बॉडी ऐसी नहीं होती नोज़ हमारी कहीं और होती आइज़ दोनों साथ में होती ईयर दोनों साथ में होते हैं दोनों हैंड हमारे साथ में होते और लेग ऊपर होता है कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता ये प्रॉपर वर्डिंग है ना होती कितने गंदा लगते हम हैं हम लोग कितने वियर लगते है ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है ऐसे सेंटेंस होते हैं उनको भी प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया जाता है उसका अलग एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम समझाते हैं ओके स्ट्रक्चर में क्या होता है सी उसमें होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है मैंने बोला मैंने इसे मैंने अभी ये वाली बात, बात बोली कि आ, मैं पढ़ा रही हूँ ठीक कौन पढ़ा रहा है मैं सो आई एम टीचिंग आई क्या हो गया सब्जेक्ट मेरे बारे में बात हो रही है आई के बारे में आई क्या हो गया सब्जेक्ट मैंने बोला कि नवरीत अच्छा वर्क करती है नवरीत राइट्स नवरीत राइटिंग इज़ गुड ओके मैंने बोला नवरीत राइटिंग इज़ गुड तो किसकी बारे में बात हो रही है नवरीत के बारे में तो नवरीत क्या आएगा सब्जेक्ट हो गया तो नवरीत सब्जेक्ट हो गया क्लियर और वर्क क्या होता है उसने क्या एक्शन किया सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है वर्व क्या हो गया वर्व होती है क्रिया एक्शन जो हम एक्शन करते हैं डूइंग वर्ड्स यू नो वेरी वेल डूइंग वर्ड्स कि हम बैठना खाना हंसना रोना उठना बैठना जो सब क्या होते हैं ये हमारे क्या होते हैं ये हमारे एक्शंस होते हैं हमारे ये डूइंग वर्ड जो हम करते हैं आप छोटे थे तो आपने सिखाया आज तक सिखाया डूइंग वर्ड एक्शन वर्ड बट द रियल नेम इज़ वर्ब रियल नेम क्या होता है उसका वर्ब उसको वर्ब बोलते हैं आप छोटे थे तो आपको सिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया हमने बोलते थे कि एक्शन वर्ड है नहीं आप जो एक्शन कर रहे हैं आप डूइंग वर्ड जो आप कर रहे हैं इसको बोलते हैं तो ये क्या होता है इसे वर्ब होता है उसको ये वर्ब बोलते हैं अब वर्ब जैसे मैंने बोला कि नवरीत राइटिंग इज़ गुड ओके तो नवरीत की राइटिंग अच्छी है तो नवरीत की राइटिंग इसमें सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है सेंटेंस में दे रही हूँ कि आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग ओके सबको मैं ये बोल देती हूँ ही रन्स दौड़ता है सर सब्जेक्ट क्या है ही सब्जेक्ट ईच को मत देखते हैं ही सब्जेक्ट क्या है सब्जेक हमारा तो ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट जो काम करने वाला है और उसने क्या काम किया दौड़ने का तो जो हम एक्शन करते हैं पहले बात पहले क्या आएगा करने वाला फिर क्या आएगा उसने कैसे किया क्रिया आई उसकी फिर आएगा ऑब्जेक्ट कि उसने क्या किया ठीक है मैंने आपको सेंटेंस दिया कि आ, आपने बोला कि मैंने चैप्टर लर्न कर लिया तो आप बोलेंगे कि आई हैव लर्न चैप्टर ओके सो आई आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और हैव और लर्न हो गया हमारा वर्ब ओके वर्ब हो गया हमारी दोनों वर्ब होती हैं हेल्पिंग होती है ये वर्ब की मेन वर्ब होती है दोनों वर्ब होती हैं तो क्या हो गया सब्जेक्ट फिर आ गया वर्ब फिर आ गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने हमने क्या किया हमने लर्न तो किया हमने क्या लर्न किया हमने चैप्टर लर्न किया चैप्टर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ध्यान से समझिए सब्जेक्ट हो गया हमारा आई जो करने वाला होता है उस करने वाले ने कैसे किया काम कूद कर किया डांस करके किया कैसे भी किया वो एक्शन हो गया वो कुछ एक्शन का यूज़ करके उसने वो काम किया तो वो एक्शन आता है और फिर आता है उसने उस एक्शन को करने के बाद क्या किया ओके okay? करता क्रिया कर्म उसने क्या क्रिया करी क्या एक्शन किया क्या क्या डूइंग वर्ड किया तो वो आता है ओके okay? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में नहीं आता समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं इसका मतलब ये है कि आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं और जब न्यू चीज़ सीखते हैं तो वो चीज़ अच्छी बात होती है है ना बड़े होंगे तो हम न्यू चीज से सीखेंगे छोटे टाइम में आपने कुछ और तरीके से सीखा है अब बड़े हो रहे हैं तो उस हिसाब से सीखेंगे है ना ओके okay. सो so, अब क्या लिखा है इसमें ये सेंटेंस है ये जो जो वर्ड्स दे रखे हैं ये सिर्फ वर्ड्स दे रखे हैं ये वर्ड्स तो हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट ये सम कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं तो लिखा हुआ है कि आपको इन्हें सेंटेंस के रूप में पूरा प्रेजेंट करना है और लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और फिर आएगा एंड में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फुल स्टॉप ऑब्जेक्टेंस में आ गई चलो फिल करते हैं पहले क्या लिखा है आई <coughs> मैं आई चॉकलेट आइसक्रीम पहले इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आए पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आई आ गया सब्जेक्ट ने क्या किया सब्जेक्ट क्या करता है लाइक like. क्या करता है लाइक आई लाइक सब्जेक्ट को पसंद है आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम ओके क्योंकि आई लाइक चॉकलेट सी एच ओ अब आप पूरा यहाँ पर नोट कर देंगे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कि आई को क्या पसंद है आई हमारा क्या सब्जेक्ट है आई को क्या पसंद है चॉकलेट आइसक्रीम तो क्या फिल करेंगे चलिए फिल करिए साथ में आई लाइक चॉकलेट लेट आइसक्रीम ओके फिल करिए प्रॉपर राइटिंग में यहाँ पर आने रहें लिख रही हूँ मैं ओके नेक्स्ट क्या लिखा है ओपन डोर अंकिता दा क्या कोई बात क्लियर नहीं है तो इसमें इसमें सब्जेक्ट क्या है नेम होगा किसी का सब्जेक्ट किसी का नेम होता है या फिर आई यू यू वी दे होते हैं ओके ये चीज़ें होती हैं तो इसमें नेम क्या है अंकिता नेम है तो क्या आएगा अंकिता अंकिता नेम है तो पहला एटर क्या आएगा कैप कैपिटल आएगा अंकिता अंकिता क्या करती है डोर कोई क्रिया है नो डोर क्या डोर तो एक ऑब्जेक्ट है डोर कोई काम होता है नहीं हमने तो पूछना है कि डोर कोई काम होता है नहीं तो क्या होगा ओपन्स तो अंकिता ओपन्स क्या ओपन करती है ओपन्स द डोर उसका ऑब्जेक्ट क्या है उसने क्या काम किया द डोर यहाँ पर द डोर फिल करेंगे ओके के लिए मैं आपको इसलिए क्यों क्योंकि ग्रामर जैसी इंग्लिश चीज़ है तो हम आपको इंग्लिश की पिक्चर्स देने से क्या फ़ायदा समझ में तो आएगा आएगा ही नहीं है ना तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि लाइक सिस्टर कॉफी माई क्या माई ऐसे कुछ समझ में आ रहा है ये लिखा है माई सिस्टर किसके सिस्टर मेरी सिस्टर माई सिस्टर क्या पसंद है उसे माई सिस्टर लाइक्स कॉफी तो क्या आएगा लाइक्स एल आई के ई एस लाइक्स कॉफी सी ओ डबल एफ डबल ई फिल कर लीजिएगा ओके शी आ फिल्म इज वॉचिंग क्या है ये फिल्म किसी को वॉच कर रही है नो no. तो क्या आएगा शी इज वॉचिंग एम फिल्म फिल करिए क्विक पड़ी सी इज़ वॉचिंग सी इज वॉचिंग नेक्स्ट अब हमने क्या सीखा हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट में क्या सेंटेंस में क्या क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अब इस सेंटेंस इस चीज़ में ना क्या हो होता है कुछ पार्ट्स होते हैं उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे द सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन प्लेस सब्जेक्ट कुछ भी सकता है किसी कोई पर्सन किसी इंसान का नेम किसी जगह का नेम किसी एनिमल का नेम सपोज मैंने बोला मझोला इज अ गुड सिटी है तो मझोला भी तो जगह का नेम हो गया ना प्लेस मैंने एनिमल्स का नेम हो सकता है कि डॉग इज़ वॉकिंग डॉग सब्जेक्ट हो गया थिंग्स द पैन इज वेरी लाइट तो सब्जेक्ट हो गया ना तो थिंग्स भी हो सकती है पर्सन भी सकता है ओके द प्रेडिकेट इज़ अज अ पार्ट इज अ सेंटेंस इज़ अ पार्ट विच टेल्स वर्ट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग ओके तो जो प्रेडिकेट तो प्रेडिके होता है इनकी लैंग्वेज समझेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं मैं बताती आती हूँ इसमें सपोज ये कह रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस है पूरा सेंटेंस है ये ठीक है रिहान फ्लाइज आ काइट तो इसमें दो पार्ट होते हैं एक होता है सब्जेक्ट एक होता है प्रेडिकेट सब जो काम करने वाला होता है उसको वो सब्जेक्ट हो गया ठीक है और बाकी जितना पार्ट बचा ऑब्जेक्ट मिला के वर्ड मिला के वो सब क्या होगा प्रेडिकेट के लिए द डॉग्स द डॉग रन्स आफ्टर द कैट सब करने वाला कौन है डॉग तो डॉग हमारा सब्जेक्ट हो गया तो हमने पहले तो सब्जेक्ट हो गया ठीक है और जो बच्चा वो क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट ओके अब करते हैं एक्सरसाइज आ जाएगा टेंशन मत लीजिए ओके सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंट इन द सेंटेंस गिवन ओके आपको क्या करना है जो तो सब्जेक्ट है उनमें आपको क्या करना है सब्जेक्ट में आपको सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट वाले पार्ट को बहुत इजी है सब्जेक्ट क्या है द सिंगर कौन करता है सिंगर सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स आ सॉन्ग ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट क्लियर माई मदर्स कुकस डिलीशियस फूड कौन बनाता है खाना माई मदर और क्या करती सॉरी सुने आएगा हमारा अंडरलाइन माई मदर हो गया हमारा सब्जेक्ट और वो क्या काम करती हैं कुक्स डिलीशियस फूड ये हमारा पूरा क्या हो गया प्रेडिकेट क्लियर वी वी सेलिब्रेट योगा डे ऑन ट्वेंटी वन जनवरी कौन सेलिब्रेट करता है हम करते हैं सेलिब्रेट वी और बाकी का पूरा पार्ट सॉरी uh, सॉरी ये तो इसमें करना है तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी ये पार्ट बचा वो क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट पहले हम सब में लगाते हैं पहले हम सब में सब्जेक्ट सब्जेक्ट पर लगाते हैं ऐसे आपको तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी द टीचर सब्जेक्ट तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट बर्ड सब्जेक्ट एलिफेंट सब्जेक्ट पिकॉक <usall>. सब्जेक्ट और बाकी का बच्चा वो क्या हो गया हमारा बाकी का बच्चा वो हमारा क्या हो गया वो हमारा हो गया प्रेडिकेट 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 क्लियर फटाक से करिए आई एम गोइंग टू रेज इट ओके और बच्चे हैं ये भी ये तो आराम से आपका अब तो आप आराम से कर लेंगे पी कॉक डांस इन द रेन ये तो, तो हो गया था हाँ ट्रीज ट्री हमारा सब्जेक्ट और बाकी हमारा हो गया प्रेडिकेट आई सब्जेक्ट और लाइक से हो गया हमारा पूरा प्रेडिकेट क्लियर टू एंड थ्री टाइम देखेंगे वीडियो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अरे वाह चैप्टर फिनिश क्या चैप्टर के लेंथ ही तो हो गई वीडियो ट्वेंटी मिनट्स की है ये आपको खुद करना है कुछ तो खुद करना चाहिए है ना ओके क्या करना है आपको इसमें तो क्या करना है रीड द गिवन सेंटेंस नाउ फ्रॉम द फ्रॉम पेयर्स वन ऑफ क्या करना है आपको इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है बाकी आपका प्रेडिकेट कर देना है क्लियर सपोज इसमें लिखा है जॉन जॉन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट जे ओ एच एन जॉन अ प्लेस क्रिकेट तो प्लेस क्रिकेट यहाँ लिखेंगे आप इसमें आपको सर्कल पहले आप क्या करिएगा तो बता रही हूँ मैं पहले आप करना है इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा उस पर करें अंडरलाइन जॉन सब्जेक्ट द गर्ल सब्जेक्ट द कैट सब्जेक्ट और ही सब्जेक्ट और बाकी का जितना पार्ट बचा जितना पार्ट बचा ये वाला ये प्लेस क्रिकेट ओपन द डोर रन आउ द mouse. रीड इज़ रीडिंग अ बुक ये हमारा पार्ट क्या होता है हमारा predicate. तो आपको क्या करना है जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है नीचे नीचे बॉक्स में दिल, इसमें दिल लिखना है और जो predicate ये वाला पार्ट है उसको आप लिखेंगे इस वाले जगह में ओके क्लियर क्लियर ओके आई होप समझ में आ गया होगा नेक्स्ट अंडरलाइन द सब्जेक्ट पार्ट इन ईच लाइन ऑफ द पोया विद ब्लू क्रॉइंस आपको कलर लेना है ब्लू कलर का और जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसमें आपको क्या करना है अंडरलाइन करना है और प्लीज़ मैं ये नहीं बताने वाली हूँ यू हैव टू डू वाई योर सेल्फ ओके सो बाय टेक केयर आई होप आपको समझ में आया होगा सो so, बाय